हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेखर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी एंड मोटिवेशन पर। जैसा कि आज 6 अगस्त 2023 है, हम 6 अगस्त रविवार है, तो आज इस वीक के जितने करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इस हफ्ते के जितने करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, उससे जाकर आप PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो किसने की है? भूटान ने। किसने? भूटान ने। भूटान जो है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 6 इमर्स का उद्घाटन किया है? तो कहां किया है? ये राजस्थान में। कहां? राजस्थान। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत हैं, और यहां के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना चल रही है, जो कि स्वास्थ्य बीमा योजना है, और राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से घट गई है? तो किस देश की है? जापान की है। तो जापान की जो जापान है, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जापान की जो संसद का नाम है, जापान की संसद का नाम है डाइट। क्या है? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? रुचिरा कम्बोज। जो कि रुचिरा कम्बोज ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो किसने जीता है? डेनमार्क। तो डेनमार्क ने जोनास विंगेगार्ड के टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है। डेनमार्क डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? गुजरात। कहां पर? गुजरात में किए हैं। तो जो गुजरात है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहां के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। अभी हाल ही में गुजरात में अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। अभी हाल ही में यहाँ पर पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, और यहाँ पर डिफेंस एक्सपो का भी उद्घाटन किया गया है, और गुजरात में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा, राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रोच, राष्ट्रीय पुष्प पलाश, राष्ट्रीय वृक्ष अशोका वृक्ष है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बंदरों के लिए फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया है। इसमें गाय की नस्लों के लिए माइक्रो डेयरी का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर वन ट्रैप वन ट्री योजना चल रही है। नंद बाबा दुग्ध मिशन का भी उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। यहाँ पर अभी 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली, तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना है। अभी हाल ही में दिल्ली में यहाँ पर बुजुर्गों के लिए तीर्थ फ्री तीर्थ यात्रा का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस पास योजना चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौन बने? ये आदित्य सामंत।
आदित्य सामंत अभी हाल ही में 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो उनका क्या नाम है? यस के मिश्रा, जो एस के मिश्रा हैं, इनका अभी हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया, 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। अभी हाल ही में 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है, और 18 जुलाई को, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिनेड ओ कानर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये गायिका थी, जो सिनेड ओ कानर है ये एक गायिका थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में भारत मंडपम का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू है, नोएडा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो ये कौन बना है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो ये पहला भारतीय शहर बना जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है, नीति आयोग। तो नीति आयोग कर रहा है, ये जो नीति आयोग है ये विधि आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण किया गया था, जो कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला है? तो किसे मिला है ये भायखला रेलवे स्टेशन को मिला है। किसको? भायखला रेलवे स्टेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया, शंकरी चंद्रन को। शंकरी चंद्रन को फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में शेखर कपूर को ब्रिटिश साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो किसके साथ, HDFC। तो HDFC के साथ अभी हाल ही में स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है, ये ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है, इरशाद अहमद। तो इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ताइवान देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की? तो किसने की, अमेरिका। तो अमेरिका ने ताइवान देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा, तो इसमें उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो किसने की, मोइन अली। किसने, मोइन अली ने अभी हाल ही में। तो किसने की है, ये स्टुअर्ट ब्रॉड। किसने, स्टुअर्ट ब्रॉड ने, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल में किसने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? ये रितेश चौहान, जो रितेश चौहान है ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के MD के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार राज्य और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कितने रुपए का है ये? $295 मिलियन, $295 मिलियन रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो किसके द्वारा किया गया? ये राजस्थान, तो राजस्थान ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो मिलान कुंडेरा, जो मिलान कुंडेरा है इनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जो कि फ्रांसीसी लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना SAUNI योजना को कंप्लीट किया है? तो किसने किया है? गुजरात सरकार ने। तो गुजरात की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना को कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में किसका उद्घाटन किया? अभी हाल में सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? शंकरी चंद्रन, तो शंकरी चंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो कितने? 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई को मनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसको स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पेड्रो सांचेंज। किसको? पेड्रो सांचेंज को अभी हाल में स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड देश के साथ क्या स्थापित करने जा रहा है? तो भारत स्विट्जरलैंड के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे? रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई पटेल है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पाठ को ऐड किया गया है। अभी हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीती है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी मध्य प्रदेश ने जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय युवा पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत 16,854 फीट को फतेह किया? तो किसने फतेह किया? ये नीतीश सिंह ने। किसने? नीतीश सिंह ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है और 2 अगस्त को वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे मनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? भारत। तो भारत 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने
कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष CDMDE की स्थापना करने की घोषणा की। तो किसने की? सेबी। सेबी तो सेबी का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी जो अध्यक्ष हैं इस समय पहली महिला अध्यक्ष हैं माधुरीपुरी बुच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो असम। तो असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में असम में बोरक्सो ऐप जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो नवी मुंबई। जो नवी मुंबई है महाराष्ट्र का, यह अभी हाल ही में पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है। तो जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं रमेश बैस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी? तो किसको मिलेंगी? जम्मू। तो जम्मू को अभी हाल ही में 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी, तो जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किए? गांधीनगर। तो गुजरात, गुजरात के गांधीनगर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया? तो म्यांमार। तो म्यांमार ने अपने देश में जो आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मुंबई विश्वविद्यालय। तो मुंबई विश्वविद्यालय ने अमेरिकी 2 विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जद्दी बुट्टा साड़ी और कन्याकुमारी मैटी केला और जदेरी नमक कट्टी उत्पादों को GI टैग मिला? तो ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु की है। तो तमिलनाडु की जद्दी बुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मैटी केला और जदेरी नमक कट्टी, इसको GI टैग मिला है। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि हैं। अभी हाल में चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में पुलिस ड्रोन यूनिट का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में यहाँ पर तमिलनाडु में हाथी की एक ड्रोन से फोटो कैप्चर की गई है, जिसे ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। और अभी हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीती है। और तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए जापान के साथ साझेदारी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना शुरुआत की? तो कौन सी योजना शुरुआत की? प्राण वायु देवता योजना। तो प्राण वायु देवता योजना स्टार्ट की हरियाणा ने। अभी हाल ही में NDRI ने गाय का एक क्लोन तैयार किया है, जो मादा बछड़ा है उसका नाम गंगा है। अभी इससे पहले अभी NDRI ने ही एक भैंस का क्लोन तैयार किया था जिसका नाम हिसार गौरव था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन को सक्रिय किया है? तो किसने किया? ये चीन ने। तो चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन को सक्रिय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू को कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? तो इसका कौन सा है? जो वेस्टर्न लेन जो उपन्यास है, यह बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है? तो ये कहाँ शुरू की? लद्दाख, लेह के लद्दाख में सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो कहाँ प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया? ये नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? तो किस राज्य में? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? झारखंड के जमशेदपुर में। तो झारखंड के जमशेदपुर में हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? तो किसने दी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान किसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो राजस्थान को अभी पछवाई पेंटिंग, तो पछवाई पेंटिंग के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? ये नाइका लैंड मुंबई में। नाइका लैंड मुंबई में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंग्लैंड देश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो किसने? मोइन अली। अभी इनसे पहले स्टुअर्ट ब्रॉड ने, जो इंग्लैंड के ही है, उन्होंने भी संन्यास के लिए घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टेपन। तो मैक्स वर्स्टेपन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस दिन को 13वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है? तो ये 3 अगस्त। 3 अगस्त को 13वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने वाइस एडमिरल ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो समीर सक्सेना। किसने? समीर सक्सेना ने वाइस एडमिरल पूर्वी नौसेना का कमान संभाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव को किसके रूप में विकसित किया जाएगा? तो ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो प्रयागराज के देवारी गांव को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य में शर्मा ने राज्य में क्या लॉन्च किया? अभी हाल में जो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है, जो कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया हैं, जो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो किसने की? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में आदि पेरुकु सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? तो कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आदि पेरुकु संस्कृत उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए किसको भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया? तो किसको बनाया गया? जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड दौरे के लिए T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया गया? तो भोपाल। तो भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया गया है। 6 अगस्त 2023 के जितने, तो हम इस वीक के जितने करंट अफेयर थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर किसी भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन, किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन, आंसर की और वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जाता है। और अगर किसी भी नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।